भारतीय क्रिकेट टीम के शानदार खिलाड़ी हार्दिक पांड्या अक्सर ही सुर्खियों में छाए रहते हैं, कभी मैदान पर अपने प्रदर्शन को लेकर तो कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। वैसे ये तो हम सभी जानते हैं कि टीम इंडिया के सभी क्रिकेटर्स की जर्सी पर एक नंबर लिखा होता है, ऐसे ही हार्दिक पांड्या भी जब मैदान पर उतरते हैं तो 228 नंबर की जर्सी पहनकर उतरते हैं। यूं तो हर खिलाड़ी की जर्सी नंबर के पीछे कोई न कोई वजह किस्सा जरूर होता है, लेकिन हार्दिक की जर्सी नंबर के बारे में दिलचस्प खुलासा हुआ है। दरअसल हार्दिक 228 नंबर की जर्सी क्यों पहनते हैं, इसकी असली वजह सामने आई है। आपको बता दें कि हाल ही में ICC ने हार्दिक पांड्या की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें हार्दिक पांड्या टीम इंडिया की नंबर 228 वाली जर्सी पहने नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए ICC ने कैप्शन में लिखा, आखिर क्यों हार्दिक पांड्या नंबर 228 वाली जर्सी पहनते हैं। अब ICC के इस सवाल पर क्रिकेट के स्टेटिशियन मोहनदास मेनन ने जवाब दिया है और हार्दिक की जर्सी नंबर के पीछे का राज भी बताया है। हार्दिक की जर्सी नंबर का राज जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल ये बात है साल 2009 की, जब हार्दिक पांड्या अंडर 16 विजय मर्चेंट टूर्नामेंट में बड़ौदा के लिए कप्तानी संभाल रहे थे। उस वक्त उन्होंने मुंबई के खिलाफ 228 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी। वो स्कोर हार्दिक के अब तक के करियर में सबसे बड़ा स्कोर है और दोहरा शतक भी। इस मैच में हार्दिक ने अपनी टीम की तरफ से लगातार 8 घंटे तक बल्लेबाजी की थी और 228 रनों की शानदार पारी खेली थी। इस मैच के बाद हार्दिक उस शहर में काफी मशहूर हो गए थे। मैच के बाद उनके कोच जितेंद्र सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था, ये उसका पहला सीजन था और क्रिकेट जगत में उसकी शानदार शुरुआत थी, जिसके बाद वो अंडर 19 टीम में गया और आगे बढ़ता गया। इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने इस मैच में 5 विकेट भी लिए थे, जिससे उनके ऑलराउंडर बनने की शुरुआत हुई थी। इस मैच के बाद हार्दिक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके कोच की बात सच साबित हो रही है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम में हार्दिक की विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजी को एक ऑलराउंडर के तौर पर वर्ल्ड कप जिताने वाले पूर्व कैप्टन कपिल देव के बाद देखा जाता है। साफ तौर पर कहें तो हार्दिक की तुलना कपिल देव से भी की जाती है और आज वो टीम इंडिया के एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं। आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।